चलो मैं जरा पढ़ा देता हूँ। वैसे ही मैं ये इसको YouTube पर भेजूंगा नहीं, लोग पागल हो जाएंगे। अच्छा देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। पहले समझो प्रिज्म होता क्या है। एक डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाने का एक टेक्निक जो मैंने सीखी है। अरे यार इधर आ। प्रिज्म लग रहा है क्या? तो उधर जा रहा है, इधर आना चाहिए। क्या हुआ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैम, लाइव नहीं आ रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, ये प्रिज्म है, थोड़ा समझाता हूँ मैं। ये क्या है प्रिज्म? एक सिंपल सी भाषा में उसको डिफाइन करें तो प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड सरफेस होता है, जिसमें से कि तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे समझ लो, इसको जरा मार्क मार्क कर लेते हैं। आ रहा हूँ कि ये मान लिया ए बी सी डी, इसको ई और ये एफ, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला सरफेस है वो है आर वन। वैसे मैंने इसकी वीडियो बना दी थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं करी, तो फिर आज का टाइम तो गया। चलो कोई बात नहीं। ये क्या है तुम्हारा? ये है आर टू, ठीक है, और ये है आर थ्री, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। अच्छा ये जो चीज बची आपकी ए ई डी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे ये जो आपका ट्राइंगल ए ई डी है, ये क्या है? आपका प्रिंसिपल सेक्शन है। प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है, मतलब क्या है? इस पूरी चीज को, ए ई डी प्रिंसिपल सेक्शन को देख के हम पूरा का पूरा प्रिज्म का जो मैकेनिज्म है वो समझते हैं। कैसे लाइट इंसिडेंट करती है, क्या एंगल बनाती है, क्या इमर्जेंट होता है, क्या डेल्टा होता है, एंड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। जहां पे कि जो एंगल ए होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अच्छा एक इसको हम सिंपल सी भाषा में समझे तो इस तरीके, इसको ट्राइंगल का एक ये वाला पोर्शन पकड़ो, ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट साइमल्टेनियसली इसको पकड़ो, पीछे खींच दो, प्रिज्म बन जाएगा आपका। पॉसिबल नहीं है, कांच को पकड़ के आप नहीं खींच सकते, बट विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। चलो तो ये तो एक प्रिज्म का रफ डायग्राम था। अच्छा दो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं इसमें, क्या? एक तो होता है तुम्हारे तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं और दो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं। दो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक है। कैसे? इधर देखो, एक तो तुम्हारा ट्राइंगुलर सरफेस है ए ई डी, ये हो गया, और एक पीछे वाला क्या, बी ई सॉरी बी एफ सी, क्लियर है? रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, और आपका तीसरा क्या हुआ, दूसरा ए बी एफ ई, और एक और बेस वाला ई एफ सी डी, क्लियर है? प्रिज्म समझ में आया, ठीक है। अभी अपने को पढ़ना क्या, अभी अपने को पढ़ना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। अब इसमें इस डायग्राम को जरा समझते हैं। पूरा का पूरा गेम इस डायग्राम में समझाना है मेरे को, दिख रहा है क्या वीडियो में आ रहा है? तो देखो, अपने को पता है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट पता है अपने को, कि लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये जो आपका है वो रेयरर मीडियम है, ये जो है वो डेंसर है, और अगेन ये जो हुआ वो रेयरर हुआ, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अभी क्या है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में लिखा हुआ तुम्हारा इंसिडेंट रे। अच्छा ये जो ए बी सी बताया था अभी पीछे, क्या था? प्रिंसिपल सेक्शन, जिस सेक्शन को यूज करके हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा प्रिज्म का मैकेनिज्म, की प्रिज्म में इंसिडेंट रे आती है जाती है, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या है आपका? ए बी सी ये है आपका प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अभी क्या हुआ, जब ये इंसिडेंट रे जब आती है, ये क्या है, ये आपका ए बी एक्सटेंडेड सरफेस है, ये ए सी दूसरा है इसका, दोनों इस तरीके से अगर मुड़ेगा तो ये आपका ए बी एक्सटेंडेड सरफेस है, ठीक है। जब ये इंसिडेंट रे आई, कुछ एक इसने एंगल बनाया, इंसिडेंट रे ने एक कुछ एंगल आई वन बनाया, ठीक है। तो अभी ये रेयरर मीडियम में है, रेयरर से डेंसर में जाएगा, ठीक
ठीक है। अच्छा और ये चीज क्या है, ये है आपका नॉर्मल, ये है एन वन और ये आपका दूसरा नॉर्मल। चलो वाला पार्ट में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अभी इधर वाला पार्ट समझते हैं, ठीक है। ये क्या आपका, ये नॉर्मल एन वन, क्लियर है, दिख रहा है कि ज्यादा रफ आ रहा है, एक मिनट। अभी सही है, तो ये क्या है आपका, ये एन वन बन गया, चलो देखते हैं बाद में। अभी नॉर्मल, ये क्या आपका नॉर्मल है, ये चीज नॉर्मल, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, जब भी आप आपकी कोई भी लाइट रे रेयरर से टेंजन में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। तो जब ये आपकी इंसिडेंट रे पेन भी चेंज स्क्रीन कर देता हूँ, जब भी आपकी इंसिडेंट रे इधर जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, नॉर्मल से एक एंगल बनाया इसने आई वन, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या हुआ, इसने एक रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ, इसने नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग हम एंगल निकालते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, जैसे ये डेंसर में गई, क्या हुआ, रेयर से डेंसर में लाइट जाएगी, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो कायदे में इसका जो डायरेक्शन था वो ये था, ठीक है, क्या हुआ, ये टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ गई, तो ये आपका हो गया क्या, आर वन। ये चीज क्लियर है, आर वन कैसे बना, चलो फिर इसको इरेज कर देते हैं, R1 कैसे बना, ठीक है। अच्छा ये था क्या, N1, ठीक है। अच्छा अब ये जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये क्या है, डेल्टा वन, मतलब कि ये इसका जो ओरिजिनल पाथ था वही ओरिजिनल पाथ था। अगर कोई मीडियम नहीं है हमारा, मान लिया यहाँ पे, और अगर आपकी लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सीधे सीधे इस तरीके से कुछ जाएगी, ठीक है। मैंने बताया भी था कि ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ओरिजिनल पाथ से वो कुछ डेविएट हुई, ठीक है, तो ये डेल्टा वन क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। सो ये डेल्टा वन क्या है आपका, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। आई वन पता ही है इंसिडेंट रे है, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर वन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा हम यहाँ पर डेल्टा वन डेल्टा टू की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो बार रिफ्रेक्शन होगा, ठीक है, एक बार यहाँ रिफ्रेक्शन हुआ, फिर एक बार यहाँ रिफ्रेक्शन होगा, वाला रिफ्रेक्शन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे I1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वन प्लस आर वन ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो आई वन है, ये वाला एंगल, ये इन दोनों एंगल के बराबर है ना, या फिर मैं इसको डेविएशन एंगल निकालू, डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, I1 माइनस R1 लिख सकता हूँ। इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस करूँ तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, फिर इसको भी रेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ये आपको मान लिया, इसको आपने क्वेश्चन नंबर वन मान लिया, ठीक है, ये आधा पार्ट समझ में आ गया, उस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। देखो अभी आपकी लाइट ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, क्लियर है। डेंसर मीडियम से जब ये रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, अभी फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है, मतलब कि ये जो ये नॉर्मल था, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल इसको हमने मान लिया एन टू बोल दिया, आपका नॉर्मल है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब ये रिफ्रैक्टेड रे इधर जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना, तो इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो ये है, ओरिजिनल डायरेक्शन इसका ये क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन है ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं आपका इंसिडेंट रे, मतलब यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे का काम करेगी कायदे में, अगर आप इधर से आ रही है तो ये इंसिडेंट रे का काम करेगी, ठीक है ना, मैं उसको रिफ्रैक्टेड रे बता रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंसिडेंट रे ही बोल सकते हो, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे अगर बोलेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे आई, अब ये रिफ्रैक्टेड रे हुई, अब ये इधर क्या, ये एंगल आर वन बना रहा है, ये वाली कहानी खत्म हो गई थी हमारी, तो आप समझो कर, जब ये यहां से बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है, ये क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा, ये क्या, ये आपका आर टू है, रिफ्रेक्टेड एंगल आर टू, ठीक है ना। इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वो क्या था, वो कुछ ये था, अब यहां से आप डेल्टा टू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, आई टू
अच्छा एक चीज और, I2 से एक चीज याद आई मेरे को, ये ना यहाँ पे I2 बेशक लिख दिया है, लेकिन ये जो I2 है वो E के बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अगेन हम भाई कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं कि भाई ये जो I2 है ये क्या है, जब लाइट बाहर आ रही है या फिर क्या है, इमरजेंट रे है, ठीक है। तो ये जो I2 है, I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा 2 प्लस R2, या फिर मैं डेल्टा 2 को लिख सकता हूँ, इधर से देखो क्या लिख सकता हूं मैं, I2 को डेल्टा 2 प्लस R2 लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पे डेल्टा 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, I2 माइनस R2 लिख सकता हूं। ये मेरी बन गई क्या सेकंड इक्वेशन, वहां जहां पे कि डेल्टा 1 था एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, और डेल्टा 2 क्या था, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन है, लेकिन ये जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो किसमें था, इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे में, ठीक है। ये था बिटवीन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रेक्टेड रे के बीच में, ठीक है। लेकिन ये जो डेल्टा 2 था ये भी एंगल ऑफ डेविएशन ही है, बट बिटवीन आर टू एंड एमरजेंट रे, ठीक है ना, बिटवीन बिटवीन आर टू एंड ई, ठीक है, सही लिखा है ना, हाँ सही है, बिटवीन सही तो लिखा है वैसे, ठीक है चलो ठीक। अच्छा बट काम की चीज देखो, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 समझ में आया, ठीक है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये डेल्टा क्या है, इस डेल्टा की कहानी सुनो, ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा है कि जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था, ये ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, ठीक है। ऐसा मतलब ये ओरिजिनल पाथ क्या बोलेगा कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि लाइट जो है ना, अगर ये प्रिज्म नहीं होता है तो लाइट सीधे निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा और ये जो इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे कायदे में इधर जा रही है, लेकिन एमरजेंट रे अपियर हो रही है कि वो इधर से आ रही है, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, एंगल बिटवीन एमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। डेल्टा क्या है आपका, एंगल बिटवीन एमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, आता नहीं है पूरा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आप इस जगह पे यहां से डेल्टा इज इक्वल टू आप डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि दो इंटीरियर एंगल्स का सम बराबर होता है एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, कैसे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स का सम बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, ये चीज क्लियर है। तो इस चीज को हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, क्लियर है अब, यहाँ तक कोई डाउट, अभी मैं उसको इरेज कर दूँ पूरा, क्योंकि मेरे को सिर्फ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन इक्वेशन की जरूरत है, ठीक है। तो मैं इसको अब देखो, मेरे पास क्या क्या इक्वेशन बनी थी, मेरे पास बनी थी कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1, ठीक है, पहली इक्वेशन थी। दूसरी मैंने क्या बनाई कि डेल्टा 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2, दूसरी इक्वेशन थी। तीसरी इक्वेशन क्या थी कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये तीसरी इक्वेशन थी। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को थर्ड में पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 ये हो जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। मान लिया इसको भी हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, अब थोड़ा सा यहाँ से एक ज्योमेट्री समझो अभी, अब इस चीज की
अगर कहीं पे भी कोई कुछ भूल जाए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ। बुक में थोड़ा सा टफ गिवन है, बहुत एंगल्स गिवन है एक्चुअली बुक में, कि ए पी क्यू ले लो, ये सब ले लो, वो सब ले लो, वो एंगल वेंगल लेने की जरूरत नहीं है सच। ठीक है देखो, आप समझो, हमारे पास डेल्टा कितना आ गया, आई वन प्लस आई टू, मतलब आई वन प्लस आई टू या फिर ई, ठीक है, माइनस आर वन प्लस आर टू, कुल मिला के हमें डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू मिल रही है। ये चीज क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब तुम देखो ये वाला ट्रायंगल ए पी एन क्यू, ठीक है, कौन सा, सॉरी ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल, ए पी एन क्यू। तो मैं क्वाड्रिलेटरल, आप देखो ए पी एन क्या दिख रहा है इस क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू में, कि जो ए पी एन है 90 डिग्री बना रही है, और जो ए क्यू एन है, मतलब ये जो चीज है ये 90 डिग्री है और ये वाली चीज 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं कि जो ट्राइंगल आपका ए, सॉरी हाँ, एंगल एंगल ए पी एन, ठीक है, एंगल ए पी एन, ठीक है, बराबर है किसके, एंगल ए क्यू एन के, एंगल ए क्यू एन के, जो कि किसके बराबर है, ए क्यू एन विच इज इक्वल्स टू 90, क्या था कोई डाउट? अच्छा, अब ऐसे ही हमने ये चीज देख लिया, ये चीज देख लिया, अब ये चीज देखो, क्या एंगल पी एन क्यू, ठीक है, एंगल पी एन क्यू बराबर है किसके, एंगल पी ए क्यू के, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, इधर ही लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका एंगल पी एन क्यू, या फिर प्लस कर दो एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री, या तो कोई दिक्कत। अच्छा, मैंने बताया था कि जो ये है क्या एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, यहां तक क्लियर है? कितना है एंगल पी ए क्यू, मतलब कि ये वाली जो चीज है इसको मैं एंगल ए बोल सकता हूं, ठीक है, प्लस ये क्या है, इसको एंगल पी एन क्यू एज इट इज लिख सकता हूं, और ये इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से जो मेरा एंगल पी एन क्यू होगा, यहां से जो मेरा एंगल पी एन क्यू होगा, वो मैं 180 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां तक कोई भी डाउट अभी तक है तो पूछो, एक बार देख लो उसको, समझ लो, कोई भी डाउट यहां तक है तो मेरे को बताओ। नहीं, अच्छा अब एक चीज और देखो, उस वाली चीज को इरेज कर दूं क्या मैं, येलो वाला, ये बहुत ध्यान समझना, क्योंकि आता है एग्जाम में 100% आता ही आता है, ठीक है। अब एक चीज देखो कि अपने पास एंगल ए आ गया, ठीक है, अच्छा अभी मैं बताऊंगा कि हम इसको लेते क्यों, ये ना डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं कि एंगल कैसे डिपेंड करता है, इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अपने पास अभी हमने एंगल ए की फॉर्म में निकाले कि भाई जो एंगल ये आपका पी एन क्यू है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत है? पी एन क्यू निकाला है क्या, पी एन क्यू, ठीक है क्लियर है, एंगल पी एन क्यू कितना है, 180 डिग्री माइनस ए, कैसे है, क्लियर है? चलो अब एक चीज देखो कि एंगल पी ए क्यू इन ट्राइंगल, ऐसे देख लो पी क्यू ए ट्राइंगल कैसे, एंगल पी ए क्यू, देखो हमको एक चीज पता था, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट में करता हूं। इस ट्राइंगल में देखो एंगल, ट्राइंगल क्या है आपका पी एन क्यू, जो ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू ऐसे, ट्राइंगल पी एन क्यू, देखो
ट्राइंगल पी एन क्यू में जो ये वाला एंगल है, ठीक है, मान लिया मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल पी एन क्यू, ठीक है, या फिर एंगल की बात करो, ट्राइंगल की बात नहीं करो, एंगल पी एन क्यू, ठीक है, ये एंगल हमेशा बीच में लेते हैं हम, एन एंगल पी एन क्यू, ठीक है, एंगल पी एन क्यू तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से अगर मैं एंगल आपका पी एन क्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक कुछ भी, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, ये वाली इक्वेशन मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर ए मान लिया हमने इसको, ठीक है, इसको एंगल पी एन क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू, और इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर बी, क्लियर। वैसे कायदे में इसको, क्योंकि ये पहले मैंने निकाली थी, तो अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, ये इक्वेशन हमने मान लिया ए, कुछ भी मान सकते हो, ये इक्वेशन हमने मान लिया बी, वन टू थ्री बहुत मानते मानते हो गए, तो ए और बी रखते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत, उस इक्वेशन बी कैसे आई, इक्वेशन ए कैसे आया, तो अगर हम क्लियर है। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अगर मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, कंपेयरिंग ए एंड बी, क्या मिलेगा जरा कंपेयर करके मेरे को बताओ, जब मैं ए और बी को कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा, वो है 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू, ठीक है, ये क्या 180 डिग्री माइनस ए, ऐसे मिलेगा कि भाई आपका 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा भाई, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू हो जाता है ए, मतलब समझ में आया कि ये जो दो रिफ्रैक्टेड एंगल है आर वन और आर टू, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, क्यों होगा, चलो वो तो डेरिवेशन मैंने करके बता दिया, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में एंगल पी ए क्यू बराबर है एंगल पी एन क्यू के, ठीक है, मेरे पास अब जो एंगल n होगा वो एंगल a होगा, तो ये एंगल a कितना है, सॉरी एंगल n कितना है, इस एंगल में से अगर मैं r1 - r2 माइनस कर दूं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस r1 - r1 प्लस r2, ठीक है, और ये जितना एंगल है उतना एंगल ये है, तो वहां से आया ये, असल में यहां तक कोई दिक्कत, तो अब इसमें तो कुछ खास बचता नहीं है, चलो इस इक्वेशन को मैंने मान लिया, इस इक्वेशन को मैंने टी दे दिया, इस इक्वेशन को टी बोल दिया, ठीक है। अभी हमारी एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर थ्री, चलो मैं यही कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, समझ में आ रहा है ना पलक, अरे 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 ऐसा मत कर भाई, चलो मतलब मैं उसको छोटा नहीं कर सकता, तो चलो यहीं लिख देता हूँ। देखो हमने इक्वेशन नंबर थर्ड के हिसाब से क्या देखा था, कि जो आपका डेल्टा आ रहा था वो कितना था, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस कितना था, ठीक है, और हमें इक्वेशन नंबर टी के हिसाब से पता है कि आर वन प्लस आर टू ए के बराबर है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, यहां तो कोई दिक्कत। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं कि भैया डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई, समझ में आया, तो ये था तुम्हारा प्रिज्म का पूरा डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा अभी मैं आगे बताने वाला हूं तुम्हें फैक्टर्स जिससे कि ये एंगल ऑफ, क्योंकि हम यहां पे कर क्या रहे हैं, हम यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर रहे हैं,
कि किस एंगल पे इंसिडेंट लाइट आ रही है, किस हिसाब से जो लाइट है वो डेविएट होती है, किस किस एंगल पे डेविएट होती है, कैसे कैसे डेविएट होती है। ठीक है, अच्छा इतना चीज समझ में आई पूरी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, पूरा समझ में आया। तो वीडियो मैं भेज दूंगा आपको, और चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, पीडीएफ मैं सेव कर लूंगा, हिसाब से भेजता हूँ। ठीक है ना, तो एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर दूँ, अच्छा क्योंकि मैं उसमें कुछ बताने वाला हूँ अभी आपको। चाहो तो वीडियो की एक काम करना, वीडियो भेजी जाएगी तुम्हें, तो या तो उसको प्लेबैक स्पीड उसकी तेज करके उसको देख लेना, सुन लेना, या फिर उसको रोक रोक के, क्योंकि समझा तो दिया ही है मैंने। ठीक है, ये काम अनुष्का के लिए करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है चलो, अब इसमें देखो एक चीज देखो, जब हमने वहां पढ़ा था रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक या फिर थिक प्लेट थी, ठीक है, वहां हमने पढ़ा था, वहां हमने एक चीज देखी थी कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है और जो इमरजेंट रे होती है, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन और इमरजेंट रे का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होता है, ये चीज देखी थी हमने। लेकिन यहां पे पैरेलल नहीं है, यहां पे क्या है, ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का और ये आपकी इमरजेंट रे, ये क्या जा रहा है, डाइवर्ज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, और सिंपल सी भाषा में समझा दो, क्योंकि मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड करी है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, तो मैं अब वो भी अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख लें पूरा रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक बना के सारा बताया। देखो क्या रहता है यहाँ पे, ये जो ये देखो, ये जो दोनों सरफेस है ए बी और ए सी, ये एक एंगल पे बने हुए हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में जो वो सरफेस थे वो पैरेलल थे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, एंगल वहां भी चेंज हो रहा था, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये क्या है, दोनों सरफेस हैं वो एक एंगल बना रहे हैं, वहां पे दोनों सरफेस पैरेलल है, बात समझ में, ठीक है ना। चलो इतना हो गया, तो इस डायग्राम को देख लेना,